लेट्स टू क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ ऑफ एक्सरसाइज थ्री ई दैट इज लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ट्वेल्व फ्रेंड्स वो कह रहा है कि सम जो है दो डिजिट का वो ट्वेल्व है द नंबर ऑप्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट ये ऐसे नहीं समझ में आएगा मैं आपको साइड बाय साइड समझाती हूँ वो कह रहे हैं सम ऑफ टू डिजिट का सम 12 है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिजिट्स का सम ट्वेल्व है देखिए हम अपनी छोटी क्लासेस में करते थे कि लाइक फॉर एग्जांपल फिफ्टी सिक्स एक नंबर है तो हम इसको कैसे लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में टेन इंटू फाइव प्लस सिक्स लिखते थे राइट right, अब हमें हम ये कब लिखते थे जब हमें पता था होता था कि ये नंबर फिफ्टी सिक्स है लेकिन यहाँ पे वो नंबर नहीं पता है तो हमने इस फाइव की जगह एक्स और सिक्स की जगह वाई लिख दिया तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे टेन इन टू एक्स प्लस वाई राइट तो अब वो कह रहा है द सम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज ट्वेल्व तो वो कह रहा है देखिए ये जो डिजिट आई है टू डिजिट नंबर की ये जो डिजिट्स हैं उनका सम मतलब इन दोनों का सम हमारा ट्वेल्व है तो हम पहले ये लिख लेते हैं ये एग्जाम्पल था राइट right? समझाने के लिए तो हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है लेट द लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स फर्स्ट डिजिट बी एक्स एंड सेकेंड डिजिट कौन सी है सेकेंड डिजिट बी वाई राइट अब इस टू डिजिट का सम तो x प्लस वाई हमारा कितना है ट्वेल्व ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन राइट अब देखिए आगे क्या कह रहा है द नंबर ऑप्टेड बाय इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग का मतलब था कि ये वाला तो अब इसको अगर एक्स वाई की टर्म्स में करें तो ये क्या आ जाएगा वाई एक्स इक्वल्स टू टेन इंटू वाई प्लस एक्स राइट तो ये जो नंबर आया है इंटरचेंज करके आगे देखिए क्या कह रहा है इट्स डिजिट्स एक्सीड ये जो नंबर आया है वो एक्सीड कर गया मतलब माइनस कर गया द गिवन नंबर कौन सा था गिवन नंबर गिवन नंबर था ये वाला राइट right? मतलब सिक्सटी फाइव बड़ा है जो नंबर पहले था उससे ये कह रहा है वो राइट right? आगे बाय 18 18 डिजिट से बड़ा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे जो हमारा बाद में आया था नंबर ये वाला नंबर तो नंबर यही हो गया तो अगर टू डिजिट नंबर है एक्स और वाई राइट तो हेंस द नंबर कितना निकल गया है नंबर इज हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देख ली कि ये आती है टेन इंटू एक्स प्लस वाई राइट अब वो कह रहा है द द नंबर ऑप्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट जो कि इंटरचेंज होके निकल रही है ये वाली राइट right? तो ये आगे टेन वाई प्लस एक्स ये जो नंबर इंटरचेंज होके निकल रहा है वो exceeds कर जाता है द गिविन नंबर बाई एटीन Given number नंबर क्या था ये वाला तो गिव नंबर टेन इंटू एक्स प्लस वाई से एक्सीड कर जाता है एटीन नंबर से राइट तो इसको सॉल्व कर लेंगे तब हमारी सेकेंड डिजिट आएगी तो ये आया टेन वाई प्लस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एटीन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं टेन वाई प्लस एक्स अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस वाई इक्वल्स टू एटीन तो ये कितना आ गया टेन वाई में से वाई गया नाइन वाई माइनस नाइन एक्स इक्वल्स टू एटीन ये आ गई हमारी सेकेंड डिजिट राइट तो फर्स्ट क्या हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व यह आ गई फर्स्ट डिजिट से हमारी नाइन वाई माइनस का नाइन एक्स तो माइनस का नाइन एक्स पहले लिख रही हूं प्लस नाइन वाई बाद में लिख रही हूं इक्वल्स टू एटीन ये आ गई हमारी सेकेंड डिजिट अब आप देखिए अगर मैं फर्स्ट को सिर्फ नाइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय नाइन तो ये कितना आ गया नाइन एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू हंड्रेड एंड एट माइनस नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ गई इक्वल्स टू एटीन तो ये कितना कैंसिल हो जाएगी एक्स की टर्म्स क्योंकि एक प्लस की थी एक माइनस की थी वाई की टर्म आपस में प्लस हो गए और ये कितना आ गया एट प्लस एट इज सिक्सटीन टू एंड वन तो वाई कितना आ गया वन ट्वेंटी सिक्स अपॉन एटीन अब नाउ एटीन सेवन फिफ्टी सिक्स तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सेवन नाउ पुटिंग वाई इक्वल्स टू सेवन इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये कितना आ गया एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू ट्वेल्व तो एक्स कितना आ गया ट्वेल्व माइनस सेवन दट इज फाइव राइट तो नंबर कितना आएगा हमारा टू डिजिट नंबर हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में अगर आप देखिए नंबर निकालना था राइट right? यहां पे देखिए नंबर निकालना था तो हम नंबर निकालेंगे तो नंबर कितना आया था नंबर देखिए मैंने क्या बताया था आपको नंबर आया था हमारा ये रहा नंबर टेन इंटू एक्स प्लस वाई राइट तो हमने लिखा टेन इंटू एक्स प्लस वाई तो टेन एक्स की वैल्यू थी फाइव प्लस वाई की थी सेवन तो ये आया फिफ्टी प्लस सेवन बॉर्ड मास फिफ्टी सेवन इज द आंसर